हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कोस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करने वाले पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3, टॉपिक हमारा 9/11। सबसे पहले हम समझेंगे कि इस जो टेररिस्ट अटैक को 9/11 क्यों कहा गया, आखिर इस अटैक के पीछे कौन से टेररिस्ट ग्रुप है, कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड है, और अमेरिका ने इतने बड़े अटैक का किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये 9/11 जो ये डेट है, ये अमेरिका के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि अमेरिका के हिस्ट्री में इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक उसकी ज़मीन पे आज से कभी भी नहीं हुआ था। और इसका जो नाम है 9/11 इसीलिए पड़ा क्योंकि अमेरिका में जो डेट लिखने का जो कल्चर है वो इंडियन कल्चर से बिल्कुल अपोजिट है। हमारे यहाँ पे डेट लिखने के लिए तरीका क्या कि पहले डेट और फिर मंथ लिखा जाता है, लेकिन अमेरिका में जो डेट लिखने का तरीका कुछ अलग है, वहाँ पे पहले मंथ और फिर डेट को लिखा जाता है। ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ था वो 11 सितंबर 2001 में हुआ था। तो सितंबर क्या है, मंथ, 9 मंथ होता है, तो 9 पहले आता है क्योंकि वहाँ पे मंथ पहले लिखने का कल्चर है, और डेट क्या है, 11। इसीलिए इस इंसिडेंट को, इस अटैक को, टेररिस्ट अटैक को 9/11 का नाम दिया गया है। अब दूसरी बात हमें जानना है कि आखिर इस टेररिस्ट अटैक के पीछे कौन से टेररिस्ट ग्रुप का हाथ है, और किसने इसको लेड किया था, और कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड था। सबसे पहले मैं बता दूं, इस टेररिस्ट ग्रुप का नाम था अलकायदा, और इसको लेड किया था ओसामा बिन लादेन ने। इस पूरे जो टेररिस्ट अटैक था, किस तरह से, मतलब एक एक जो स्टेप थे, एक एक जो प्लानिंग थी, वो ओसामा बिन लादेन के दिमाग का गेम था। और अमेरिका ने इस इतने बड़े टेररिस्ट अटैक का किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस अटैक को पीछे ओसामा बिन लादेन का हाथ था, और इस ओसामा ने इस अटैक के लिए उसको एक ऐसे टेररिस्ट की ज़रूरत थी जो कि अब इस मिशन के बाद सुसाइड मिशन पे निकल सके, क्योंकि इस अटैक के बाद कोई भी टेररिस्ट अपने मुल्क, अपने देश वापस नहीं आ सकता था। इसके लिए उसको स्पेशल टेररिस्ट की ज़रूरत थी, जो कि उसने विश्व के अलग अलग देश में घूमकर उसने इकट्ठा किए। इसने टोटल इसके लिए 19 टेररिस्ट को कलेक्ट किया, जो कि ऑलमोस्ट कितने थे, अरब कंट्री के थे। अब इनकी जो ट्रेनिंग थी, जो 19 के टेररिस्ट थे उनकी जो ट्रेनिंग थी, वो अमेरिका में रहकर ही पॉसिबल हो सकती थी, इसीलिए उनको अमेरिकन कल्चर, अमेरिका के रहन सहन, अमेरिका के तौर तरीके, इंग्लिश बोलना, इन सब के लिए उसको वेल ट्रेंड करना बहुत ही ज़रूरी था, ताकि अमेरिका के किसी भी लोगों को वहाँ थोड़ा सा भी शक ना हो कि वो अमेरिका के पर्सन नहीं है। इसके लिए उनको लगभग साल भर की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें उनको इंग्लिश बोलना, उनके किस तरह से उनको कपड़े पहनना है, किस तरह उनको बोलना है, किस तरह से उनको खाना खाना है, ये सारी चीज़ें उनको ट्रेनिंग दी गई। लगभग 1 साल तक उनके लिए ट्रेनिंग चलती रही। 1 साल के बाद जब वो इसके लिए प्रॉपर प्रिपेयर हो गए थे, सारे कल्चर्स को अडॉप्ट कर लिया था वो प्रॉपर, मतलब अमेरिकन जैसे बोलना, उठना, बैठना, ये सब उन्होंने अच्छे से सीख लिया था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज था कि किस तरह से 19 के टेररिस्ट को अमेरिका में इमिग्रेट किया जाए, क्योंकि अब उनकी जो ट्रेनिंग थी वो अमेरिका में ही पॉसिबल थी। इसके लिए ओसामा ने डिसाइड किया था कि इन 19 जो टेररिस्ट है उनको वो एक साथ अमेरिका शिफ्ट नहीं करेगा, ताकि थोड़ा सा भी उनमें कनेक्शन नज़र ना आए और वहाँ पे थोड़ी सी भी उनको शक की गुंजाइश ना हो। इसीलिए इनको अलग अलग ग्रुप बनाया गया, उनको विश्व के अलग अलग देशों से, अलग अलग हिस्सों से अमेरिका भेजा गया, और अमेरिका में ये 19 के 19 टेररिस्ट रहने के बावजूद भी एक दूसरे से स्ट्रेंजर के रूप में रहे, कोई कनेक्शन वो नहीं दिखा। इसके बाद अमेरिका उनको क्या कर देगा, इमिग्रेट कर दिया गया। अब इन 19 टेररिस्ट में से जो 6 टेररिस्ट थे उनको प्लेन चलाने की प्रॉपर ट्रेनिंग देनी थी, क्योंकि इस अटैक को करने के पीछे उनको अपना कोई मिसाइल, अपना कोई बॉम्ब यूज़ नहीं करना था, बल्कि अमेरिका विमान को ही, अमेरिकन प्लेन को ही वो एक मिसाइल के रूप में इस्तेमाल करने वाले थे। इसके लिए उन 6 जो टेररिस्ट थे उनको वेल ट्रेंड किया गया कि किस तरह से प्लेन को कंट्रोल करना है, प्लेन को उड़ाना है। अब उनकी ट्रेनिंग अमेरिका में ही स्टार्ट हो गई थी। उन 19 टेररिस्ट में से 6 टेररिस्ट ने वही अमेरिकन स्कूल में वहाँ पे अपना एडमिशन ले लिया, और 6 के 6 टेररिस्ट एक दूसरे से कोई कनेक्शन, कोई मतलब स्ट्रेंजर की तरह आपस में ट्रेनिंग लेते रहे। उनकी ट्रेनिंग लगभग 6 महीने तक वहाँ पे चलती रही, और तब तक वो अमेरिका के हर एक मतलब मैप से, नक्शे से पूरी तरह से और ज़्यादा फैमिलियर होते गए। अब 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जिसका इंतज़ार ओसामा बिन लादेन को बरसों से था, जिसकी प्लानिंग वो 1998 से कर रहा था। अब जो भी 19 टेररिस्ट ने इकट्ठे किए थे
उनके जो प्लानिंग का ट्रेनिंग का सारे स्टेप्स क्या हो चुके थे, कंप्लीट हो चुके थे। अब जो दिन था जिसका इंतज़ार ओसामा कई सालों से बरसों से कर रहा था, आखिर वो दिन अब आ ही गया। दिन 11 सितंबर ईयर 2001 सुबह के 7:15 थे। जैसे ही अमेरिका की पहली कमर्शियल प्लेन टेक ऑफ हुई, इन 19 टेररिस्ट ने टोटल 4 ग्रुप में अपने आप को डिवाइड कर लिया था, 5, 5, 5 और 4 का ग्रुप बना लिया था। अब पहले प्लेन में 5 टेररिस्ट क्या हो गए, उसमें सवार हो गए, और प्लेन जो 7:16 पर पहली प्लेन टेक ऑफ हुई उसमें वो चले गए, और कुछ ही मिनटों के बाद उन्होंने प्लेन को क्या कर लिया, हाईजैक कर लिया। वहाँ के पायलट और को पायलट की सीट उन्होंने संभाल ली। इस तरह से एक एक करके 4 प्लेन उन्होंने हाईजैक कर लिया और चारों प्लेन पे अपना कब्जा कर लिया, और पायलट को पायलट की सीट उन्होंने संभाल ली। अब इस 4 प्लेन का जो टारगेट था वो अमेरिका के 4 बहुत बड़े इंपॉर्टेंट बिल्डिंग को हिट करना था, उनसे टकराना था। पहली जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग थी WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर, दूसरा टारगेट था इस प्लेन का WTC के ही साउथ टावर जो कि न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है, तीसरा इम्पॉर्टेंट जो इनका टारगेट था वो पेंटागन बिल्डिंग जहाँ की अमेरिका की US डिफेंस का हेडक्वार्टर है, और चौथा जो उनका टारगेट था अमेरिका के सबसे इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग जिसे इंडिया का पार्लियामेंट समझ लीजिए, व्हाइट हाउस। ये 4 इनके बड़े बड़े इम्पॉर्टेंट टारगेट थे। पहले 3 प्लेन अपने टारगेट को मात्र 2 घंटे के अंदर उन्होंने अचीव कर लिया था, यानी कि पहला जो टारगेट था उनका WTC का नॉर्थ टावर, वहाँ से प्लेन क्रैश हो गई थी। दूसरा टावर भी अपने टारगेट को अचीव कर चुका था जिसका टारगेट था WTC का साउथ टावर। तीसरा प्लेन भी अपने टारगेट को अचीव कर चुका था, उसका टारगेट था पेंटागन बिल्डिंग जहाँ पे US डिफेंस का हेडक्वार्टर है। लेकिन जो चौथा प्लेन है वो अपने टारगेट से अभी भी कुछ दूरी पे था। उस पैसेंजर में जिसे फ्लाइट 93 उस प्लेन का नाम था, उसमें टोटल कुल 40 पैसेंजर सवार थे। उन 40 के 40 पैसेंजर को पता चल चुका था कि अब ये प्लेन हाईजैक हो चुका है, और इसमें जो 4 टेररिस्ट है आखिरी प्लेन में जो 4 टेररिस्ट है वो सुसाइड मिशन पे निकले हुए हैं, उन्हें पता है कि वो मरने वाले हैं, और जो 40 के 40 पैसे उन्हें भी पता था कि हम मौत के मुंह में चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि मरने से पहले हम अमेरिका को इस नुकसान से, जिस डिस्ट्रक्शन से बचाने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि अपने मौत को देकर वो अमेरिका के जो ज़मीन पर रहने वाले लोग हैं उनको वो बचाना चाहते थे, और उन्होंने डिसाइड कर लिया इसके लिए वो क्या करेंगे, उनका सामना करेंगे, उनसे हाथापाई करेंगे, और एटलीस्ट कोशिश तो अवश्य करेंगे। इसके लिए 40 के 40 टेररिस्ट ने अपना धावा बोल दिया उन 4 टेररिस्ट पे, और उनमें क्या हो गई, हाथापाई स्टार्ट हो गई। और हाथापाई स्टार्ट होते ही जो उस प्लेन का जो पायलट था वो अपना कंसंट्रेशन खो बैठा, और जो उसका टारगेट था उस टारगेट से कुछ दूर पहले ही जो पेंसिल्वेनिया फील्ड है वहाँ पे प्लेन क्या हो गया, क्रैश हो गया। इस पूरे जो हीरोइक एक्ट है कि इसमें 40 पैसेंजर ने जो अपना ब्रेवरी एक्ट दिखाया, इसके ऊपर हॉलीवुड में एक मूवी बनी हुई है जिस पिक्चर का नाम है फ्लाइट 93। आप उस मूवी में जाकर देख सकते हो कि इन 40 लोगों ने किस तरह से अपने करेजियस, अपने ब्रेवरी का सबूत दिया, और अमेरिका के बहुत बड़े जो डिस्ट्रक्शन से उन्होंने किस तरह से अमेरिका को बचा लिया अपनी जान को देकर। तो इस तरह से जो 4 जो उनके टारगेट थे उसमें से 3 टारगेट को वो अचीव कर चुके थे, लेकिन चौथा प्लेन अपने टारगेट के कुछ दूरी पहले ही प्लेन क्रैश हो गया, और वो ओपन फील्ड में। कहा जाता है कि एज पर ऑफिशियल रिपोर्ट कि उस पूरे टेररिस्ट अटैक में लगभग 3,000 लोग इसमें मारे गए, और इतने मतलब लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन है, इतना बड़ा जो नुकसान है वो अमेरिका में कभी भी नहीं हुआ था पूरी हिस्ट्री में। उसे 2 इंसिडेंट से कंपेयर किया जाता है, पहला ब्रिटिश बर्निंग ऑफ वॉशिंगटन और दूसरा जापनीज अटैक ऑन पर्ल हार्बर, यानी कि इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन इससे पहले इन 2 अटैक में हुए थे। लेकिन इतने बड़े अटैक के क्या अमेरिका जो कि विश्व की महाशक्ति है, जिसका पूरे विश्व में हेजेमनी है, क्या वो चुप रहेगा, क्या वो इस अटैक के लिए क्या जवाब देगा? तो उस टाइम 2001 में जो प्रेसिडेंट थे वो George W. Bush थे, जो एक्स प्रेसिडेंट George H. W. Bush के बेटे। और मैंने बताया था आपको कि अमेरिका में 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज है,
रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी, तो ये जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे वो रिपब्लिकन पार्टी के नेता थे, उन्होंने इस टेररिस्ट अटैक के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। इस ऑपरेशन के तहत किसी भी पर्सन, किसी भी टेररिस्ट ग्रुप, जिस पे भी थोड़ा सा भी अगर अमेरिका को डाउट होता, शक होता, अमेरिका की फोर्स वहां से जाते, उस पर्सन ग्रुप को उठाकर एक ऐसे सीक्रेट जेल में डालते, सीक्रेट प्रिजन में डाल देते थे, जहां पे जो कि गुंटानमो बे क्यूबा में सिचुएटेड है, और उस जगह पे कोई भी इंटरनेशनल लॉ, किसी भी देश की सरकार, इवन वहां पे यूएन के जो रिप्रेजेंटेटिव है, उन्हें भी वहां के किसी भी प्रिजनर से मिलने नहीं दिया जाता था। यानी कि उस कैदी के साथ, उस प्रिजनर के साथ क्या किया जाता था वो किसी को आज तक पता नहीं चल सका है। कुछ लोगों को तो खैर पता ही नहीं चल पाया कि उनको साथ क्या किया गया, और उनकी जो पहचान है वो पूरी तरह से खत्म हो गई। इतना हार्ड स्टेप, इतना स्ट्रिक्ट स्टेप अमेरिका ने इसीलिए उठाया था ताकि दोबारा कोई भी टेररिस्ट या टेररिस्ट ग्रुप इस तरह के टेररिस्ट अटैक को अमेरिका में करने की हिम्मत या सोच भी ना सके। और ये जरूरी भी था क्योंकि टेररिज्म को प्रमोट करना, टेररिस्ट को प्रमोट करना कोई भी देश नहीं चाहेगा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कोई भी देश हो। टेररिस्ट अपने आप में बहुत ही घिनौना और बहुत ही, मतलब कहते थे कि एक तरह से कभी भी इस चीज़ को प्रमोशन नहीं करना चाहिए। अब जो टेररिस्ट इस इंसिडेंट के बाद, इस अटैक के बाद अमेरिका के सिटीजन, अमेरिका के लोगों में एक आतंक डर देखना चाहते थे, लेकिन अमेरिका के इस ऑपरेशन से हुआ क्या उल्टा। इस ऑपरेशन से अमेरिका के जो नुकसान हुआ वो तो हुआ ही हुआ, लेकिन अब जितने भी टेररिस्ट ग्रुप थे उनके दिल में अमेरिका के लिए डर था। अब वो मतलब एक तरह से पूरी तरह से आतंकित थे अमेरिका के इस जवाब से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अमेरिका का नुकसान तो हुआ, लेकिन अपने अमेरिका ने अपने हेजेमनी, यानी कि जो वर्ल्ड पावर, विश्व की महाशक्ति है, उसका जवाब उसने किस तरह से आतंकवादियों को दिया। तो ये हमारा टॉपिक था जिसको हमने 9/11 इंसिडेंट के नाम से जानते हैं। हिस्ट्री में ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट रखता है क्योंकि ये टेररिस्ट अटैक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और बाकी के वीडियो के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को जा सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर के रहेंगे उसके लिए मैंने आगे वीडियो बना रखी है, वहाँ पर जाके इसे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उन लोगों से भी शेयर कीजिए ताकि वो ईजी लैंग्वेज में इसको पढ़ सके, समझ सके और क्वेश्चन को आंसर दे सके। थैंक यू।